देखिए सुपरहिट बॉलीवुड मूवीज फिल्मी दीवाने पर। सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। गुजरे जहां से गुजरे जहां से अपनी झांसी जैसे कोई तूफान जैसे कोई आंधी। तुम तो चेयरमैन बनकर यहाँ सीट में बैठकर मेरा को बर्बाद कर रहे क्या? तुम्हारा काम से ऐसे काम ने तुम्हारा मेरे को बहुत मुश्किल हो गया है। ऐसे बैठकर तुम्हारा मेरा बर्बाद हो रहा। चेयरमैन हो तो क्या, मुझसे ज्यादा मुश्किल है। मिनिस्टर के पीछे होकर नाटक कर देता है क्या? अरे तुम लोग यहाँ पागलों की तरह क्यों चिल्ला रहे हो? ये पैसा जो है ना, ये जनता जनार्दन का ही है। सही टाइम पर अगर हम पैसे वापस नहीं करेंगे तो वो हमें सलाखों के पीछे डाल देंगे। अरे पागल मत बनो यार, हमने पैसे खाए हैं तो खिलाए भी, समझ गए ना? अब तुम लोग मेरी बात ध्यान से सुनो। मैंने पहले से ही तुम लोगों का वीसा पासपोर्ट वगैरह तैयार कर दिया है। तुम लोग 6 महीने के लिए बांग्लादेश चले जाओ, आगे जो होगा मैं देख लूंगा। वहाँ जाके करना क्या है, कौन समझाएगा? वहाँ अपना अनिस भाई है, वो तुम्हें सब कुछ समझा देगा। चेयरमैन साहब, आपके कहे मुताबिक मैं पासपोर्ट और वीजा लेकर आया हूँ, ये रख लीजिए। और एक बार साहब जी, जैसे जैसे आपने कहा ठीक वैसे ही मैं ये सब बना के लाया हूँ। ये लो आ गया तुम लोग का वीजा पासपोर्ट। अभी तुम लोग जल्दी जाने की तैयारी करो। है सब, गाड़ी आ गई। अरे वाह, गाड़ी भी आ गई, जल्दी जाकर गाड़ी में बैठो, जाओ। Yeah.
मिस्टर यशवंत, गांधीनगर सेकंड स्ट्रीट राजभवन में मैंने खुशी बैंक के चेयरमैन और डायरेक्टर को ढूंढ लिया है। जेडी एंट्रेंस पर आ जाओ और तुम वहां जाकर क्राइम नंबर FIR दर्ज करा लो। चेयरमैन कहाँ गया है मैं अच्छी तरह जानती हूँ। ओके मंत्री महोदय, हम फंस गए मंत्री महोदय। अरे तुम जाओ, तरह फंस गए हम। ई का मैनेजर हो तुम पागल कुत्ते की तरह हाँफ रहे, आखिर बात क्या हमका भी तो बताओ। कमिश्नर जारसी हाथ धोकर मेरे पीछे पड़े। अरे कमिश्नर जारसी ने मिलन को फांसने की कोशिश की, कुछ हुआ क्या? लेकिन वो मुझे कहीं का नहीं छोड़ेगा साहब। अरे तुम खुशी बैंक का मैनेजर हो और हम यहाँ का फाइनेंस मिनिस्टर हूँ ना। अरे हम कोई गिरगिट नहीं जो हमेशा पार्टी बदलता रहे। हमारा एक ही पार्टी है, वो है अधिकार पार्टी। पहले तुम अंदर जाओ। हम मिनिस्टर हूँ, तुम मिनिस्टर का घर के अंदर हो, हम देख लूंगा। हम हूँ ना, तुम अंदर जाओ। धन्यवाद धन्यवाद। क्यों जी, हमारा भी तो फायदा होगा ना। दोनों हाथों से खूब पैसा बटोरेंगे, वरना उसकी तरह भिखारी बन जाएंगे। हाँ, पैसे नहीं देंगे, हाथ में हथकड़ी डाल के ससुराल भेज देंगे। बातें बहुत हो गई, अंदर जाकर काम करो। एक्सक्यूज मी, मुझे घर की तलाशी लेनी है। तलाशी क्यों? ये घर में हम और हमारी पत्नी के अलावा और कोई नहीं रहता है। हम बहुत बड़ा मंत्री हूँ। यू आर जस्ट इंसल्टिंग द होल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अरे इस गांधीवादी की तोहिन। ई का धांधली है। हम एक ऐसा गांधीवादी हूँ और सब तो गांधी जी को याद ही नहीं करते हैं, और हम एक ऐसा मंत्री हूँ जो आज भी खादी पहनता हूँ। आई डोंट बिलीव। हम क्या करें? देखो तुम खाकी पहनती हो और हम खादी, दोनों खासे शुरू होता है। खादी की वैल्यू है। अरे हमारा जन्म दिवस और स्वतंत्रता दिवस दोनों एक ही दिन है। कौन सा महीना? वो अगस्त का महीना है। अगस्त? हाँ हाँ, अगस्त। तारीख 15। हाँ 15। 15 अगस्त रात को 12 बजे हमारा जन्म हुआ। अरे जानती हो, रेल रोको आंदोलन में भी पुलिस हमको गिरफ्तार करके ले गई थी। सिर्फ इतना ही नहीं, कई उग्रवादियों को आत्मसमर्पण के लिए हमने मजबूर किया। और सुनो, गांधी जी का पार्टी में रह के हम सगरे हिंदुस्तान में बहुत फेमस हो गया हूँ। अगर हमारी बेइज्जती हुई तो जनता चुप नहीं रहेगी। वो तो ठीक है सर, हमें सूचना मिली है कि कुछ उग्रवादी आपके घर में बम रख कर आपको मारने की कोशिश में। क्या बोली? तैयारे उग्रवादी। इसलिए मैं तलाशी लेना चाहती हूँ। इसमें आपके आदमी भी शामिल हो सकते हैं। आपकी सुरक्षा करना मेरा कर्तव्य है, इसलिए चेतावनी दे रही हूँ। अगर सुनना चाहे तो ठीक है, वरना आखिरी सलाम लीजिए, गुड बाय। मैंने तो तुमसे पहले कहा था कि उग्रवादियों से दोस्त मत रखना। अब देखो फंस गए ना तुम। हाँ चलो, तो मेरा कभी भी कहना नहीं मानते हो। देखा, अभी घर में उन्होंने बॉम्ब रख दिया है। हमारे घर में बॉम्ब? बॉम्ब? रुक जा बे, कौन हो तुम इडियट? मिनिस्टर, ये रहा बॉम्ब और ये रहा उग्रवादी। ऐसे क्या देख रहे हैं? चल चल बे, चल। ये क्या, ये आपका रिश्तेदार है? नहीं जानता पत्नी का कसम। मैं खुशी बैंक का चेयरमैन हूँ। तो तू बैंक का चेयरमैन है? कांस्टेबल कम आओ। जी मैडम। हिरासत में ले लो इस कमीने को। आप बेफिक्र रहिए मंत्री जी, राजनीति में तो ऐसा होता रहता है। बाप रे, राजनीति की कसम, हमने कुछ नहीं किया। ओ खैर, आपसे कुछ बात करनी है, प्लीज कम। मैं बच गई। आइए आराम से बैठिए। ये क्या कर रही हो? तेरी जोरू और बच्चों के सामने मैं तुझे जलील नहीं करना चाहती थी। अरे तुम जानती हो ना मैं एक सेंट्रल मिनिस्टर हूँ। चुप हो जा, मेंढक की तरह ज्यादा टिर पिर की तो बहुत बुरा होगा। तेरी तो, तुझे तो स्वतंत्र दिवस का भी ये भी नहीं पता। तू जैसे अनपढ़ गवार मंत्रियों की वजह से ही आज इस देश का ये हाल हुआ है। मुझे थप्पड़ मारा? अगर ज्यादा जुबान चलाई तो ये जूता बोलेगा। तू पटना के कोठे से गिरफ्तार हुआ पर कहता है कि आंदोलन में रेस्ट। जानते हो गांधी जी ने बड़ी मुश्किलें झेल कर हम भारतवासियों को आजादी दिलाई, लेकिन तेरी जैसे क्रिमिनल की वजह से देश की आजादी खतरे में पड़ गई है। आपने जो कुछ भी कहा वो सच है, मैं मानता हूँ, लेकिन हम एक बात नहीं भूलना, हम कलयुग का महात्मा। शट अप। तू जैसे बर्ड फ्लू वायरस को मैं हमेशा के लिए मिटा के रहूंगी। तुम मिटाओगी? मैं मिटाऊंगी।
झांसी आईपीएस, मैं तुझे गिरफ्तार करके काल कोठरी में फेंक दूंगी। बी केयरफुल। हे कमिश्नर, उस दिन तुमने हमारा पॉलिटिकल करियर तबाह किया। हम बिहारी बाबू हूँ, इसका अंजाम नहीं जानती तुम। क्या उखाड़ लोगे? तबादला तबादला तबादला, यही ना? आई डोंट केयर। मैं तुम्हारी तरह एसी में बैठकर पैसा जमा नहीं करती हूँ। मेरे पास सिर्फ दो यूनिफॉर्म है, एक ये और एक घर में, समझे क्या? और क्या कह रहे थे तुम? ये खादी है और एक खाकी। खाकी की कीमत तो तुझे पता चली। खास एक खादी भी होता है तो खास एक खच्चर भी होता है रे। इतनी बात समझ ले और इसे खोपड़ी में उतार ले। अगर ये गलती दोहराई तो असेंबली से बाहर और जेल के अंदर कर दूंगी। माइंड इट, माइंड इट, माइंड इट, माइंड इट। क्यों जी, इस बार एमएलए की टिकट दिलवा देंगे ना आप? टिकट का तरीका? हाय विजय। हाय डैडी। ओके, डोंट वरी, आई विल टेक केयर ऑफ इट। एक स्ट्रांग कॉफी मिलेगी? ठीक है, बाद में बात करते हैं। हाँ, तो मेरे हीरो कैसे हो? फाइन। क्या हो रहा है? क्या कर रहे हो? दोनों बाप बेटे में क्या बातें हो रही? हम्म, विजू, ठीक है, सिर्फ डैडी से बात करोगे? ठीक है, करो। डैडी डैडी, आप गणित जानते हैं? जानता हूँ। तो आप मेरे स्टडी रूम में आएंगे क्या? किस लिए? प्रोग्रेस कार्ड पे साइन चाहिए। प्रोग्रेस कार्ड पे साइन करने के लिए? जाओ लेकर आओ, जल्दी लेकर आओ। ये क्या मैथ्स में 77? हाँ डैडी। मगर नीचे तो 11 लिखे हुए हैं। कहीं ऐसा तो नहीं तुमने अपने हाथों से ठीक कर लिया हो? मुर्गा बनो, जल्दी मुर्गा बनो, जल्दी। कॉफी तैयार है। तुम्हारे बेटे ने क्या क्या जानती हो? जानती हूँ, छोटा बच्चा है, जाने दो ना, आ जा, मजाक कर रहा होगा। अरे छोड़ो भी, छोटा बच्चा है। कैसा मजाक? कोई खून करके पुलिस स्टेशन आएगा तो क्या तुम उसे छोड़ दोगी? है ए, उठ, उठ। अरे चेतन, छोड़ दो ना। अगर इसे अभी छोड़ दिया तो बड़ा होने पर बहुत बड़ा गुंडा बनेगा। बन, मुर्गा बन। सच बताऊं, दरअसल गलती मेरी है, मैं मुर्गा बन जाऊं? अच्छा, जो गलती करता है उसको भी सजा भोगनी ही पड़ती है। आप हेडमास्टर हैं, आप ही ने ये कहा था ना, दोनों मुर्गा बनो। आजा बेटे। रहने दो ना, ये क्या? तुम चुप रहो। मैं सब कुछ छोड़ सकता हूँ पर धोखेबाजी में किसी को नहीं। ओह माय गॉड। इस पावर ऑफिसर को जरा हमारी पावर के बारे बता दो। हम दिमाग के प्लान बनाते हैं। हमें तो सिर्फ विल पावर मालूम है ऑफिसर। नमस्ते सर जी, मैं शोभराज, ये प्रयागराज, ये जयराज, हम तीनों धनराज के छोटे भाई हैं। ओह, ऐसा क्या? सर जी, हमने पावर प्लांट के लिए अप्लाई करा था और आपने हमारे ही पावर सप्लाई काट दी। हाँ, तुमने बिल्स पे नहीं किए, उसके लिए 10 करोड़ बकाया है। बताइए, मैं इलेक्ट्रिकल टावर कॉन्ट्रैक्ट में जो तुमने कंस्ट्रक्ट किया था वो गिर गया। इस सब के लिए जो सस्ता सामान लगाया था उसकी जांच चल रही है। तुम्हारे जैसे लोग बिजली चोरी करके अपना काम करते हैं और क्रोर्स में पैसा नहीं देते हैं। ईबी को कितना लॉस हो रहा है ये बात आप लोग जानते हैं? उस लॉस को पूरा करने के लिए हमें बिजली का दर बढ़ाना पड़ता है। हर अगर नहीं बढ़ाया तो राज्य की जो आज हालत है वो और भी खस्ता हो जाएगी। अंडरस्टैंड? आप लोग समझने की कोशिश क्यों नहीं करते हैं? मैं जो भी कर रहा हूँ वो जनता की भलाई के लिए ही कर रहा हूँ। बकवास बंद कर, कितने पैसे चाहिए बोल। हे, तुम लोग किससे बात करो जानते हो? इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के चेयरमैन से। बस इतना नहीं, पैसे मांग के मेरा बात भी मान सकते तो भी करे मन हो जाए। hey, मुझे धमकाना नहीं, अगर धमकाने की कोशिश की तो पुलिस में रिपोर्ट कर दूंगा, याद रखना। hey, मुझे अपने भाई की काबिलियत मालूम है। एक चुटकी बजाने से सारे गवर्नमेंट के ट्रांसफार्मर खत्म हो जाएंगे। ये ईबी है क्या? हमारे कहे रास्ते पर चलो वरना तुम्हारा करंट हम कट कर देंगे। चलो। विजिलेंस ऑफिसर कहाँ है? वो राउंड्स पे है साहब। उसे फौरन बुलाओ। जी सर। सर वो लाइन पे है।
हेलो बलराज, जल्दी से तुम गांधीनगर में धनराज के घर में रेड करो। उसका 2 करोड़ का बिल बकाया है, उसे घर की पावर सप्लाई काट दो। जिस हिसाब से उसका बिल बाकी है, मुझे नहीं लगता वो भरेगा, इसलिए ये मेरा ऑर्डर है। हाँ, फौरन काट दो। ओके, बाय। सुनिए, गाड़ी तेज क्यों चला रहे हैं? जरा धीरे चलाइए। चिंता मत करो झांसी, मैं अपनी उम्र और वक्त की रफ्तार से चल रहा हूँ। राइट डैडी। देख लिया, ये भी मेरी तरफदारी कर रहा है। ये तुम्हारी तरफदारी क्यों कर रहा है? लगता है चेयरमैन बनेगा ये भी। हाँ हाँ, ज्यादा लाड मत दो, सड़क पर ध्यान दो। ये क्या हो गया? कहीं चोट तो नहीं आई? देख के चलना चाहिए था। कुछ नहीं हुआ है। अगर कुछ हो जाता तो? इसलिए कहती हूँ गाड़ी धीरे चलाया करो। सुनो मिस, गाड़ी चलाते वक्त तुम्हें ध्यान रखना चाहिए। ओह, आई एम सॉरी। ओह, मानती हूँ मेरी ही गलती है, पर आप पुलिस में कंप्लेन मत कीजिएगा। मुझे पुलिस से बहुत डर लगता है। तुम्हारे सामने इस वक्त पुलिस ऑफिसर खड़ी है, झांसी आईपीएस। नाइस टू मीट यू, मेरा नाम कीर्ति है। मैं बेसिकली डांसर हूँ, पर कभी कभी मॉडलिंग भी कर लेती हूँ। मुझे नंबर 1 डांसर बनना है और कुछ नहीं। हाँ, लगता है मैंने तुम्हें कहीं देखा है। आप कला क्षेत्र में नृत्य करती हैं ना? जी हाँ। झांसी, ये बहुत बड़ी नर्तकी है। By the way, I'm Chetan. आइए। हाय, ये मेरा बेटा है विजू। हाय विजू। हाय दोस्त। मेरी तो किस्मत ही खोटी है, मेरा कोई भी नहीं है। अगर आपके जैसी मेरी एक बहन होती तो मेरी जिंदगी में बाहर आ जाती। ऐसे क्यों कह रही हो? हम सब तुम्हारे साथ हैं, जब जी चाहे हमारे घर आ सकती हो। मैं इस दोस्त के लिए जरूर आऊंगी। दोस्त? यानी आपका बेटा। ओके, इजाजत चाहती हूँ। नमस्कार। बेटा बिजू, किसी चीज का इजाद करने वाले को साइंटिस्ट कहते हैं। तुम्हारी साइंटिस्ट कौन है? मेरी मम्मी। क्या कहा? तुम्हारी मम्मी साइंटिस्ट है? जरूर, मुझे जो खोज निकाला। स्मार्ट, मेरा प्यारा बेटा। इतनी देर कहाँ थे? ऐसे थोड़ा काम था। हाय, सारी पपिया इसे दोगी क्या? यही मेरा सब कुछ है। जाओ, जाके खेलो। बिजू रुक जा, मैं भी चलता हूँ। और मैं? मैं बेटा हाफ। समझे? तुम एक अच्छी पुलिस ऑफिसर ही नहीं, एक अच्छी पत्नी, एक अच्छी माँ हो। लेकिन ना तो मैं अच्छा ऑफिसर हूँ, ना ही अच्छा पति और ना ही अच्छा बाप। इसलिए आज मेरे नाम पर तुमने अर्चना कराई क्या? नहीं, 50 लाख का इंश्योरेंस कराया। क्यों जी, मजाक कर रहे हैं? ये मजाक नहीं, सच है। कुछ सोचे समझे बगैर आपने इंश्योरेंस करा लिया? हम इतने पैसों का प्रीमियम कैसे भरेंगे? ये सब करने की तुम्हें क्या जरूरत थी? अगर किसी हादसे में मेरी मौत हो जाए तो उस समय तुम और मेरा बेटा अनाथ ना हो जाए, इसलिए। चुप रहो, ऐसे मत कहो, कुछ नहीं होगा। तुम एक पुलिस वाली हो, इसलिए बड़ी हिम्मत से कह रही हो, पर मैं एक पति की हैसियत से भविष्य की सोच रहा हूँ। मैडम। हाँ, हेलो। अच्छा, कब? ठीक है, मैं अभी आती हूँ। क्या हुआ? तुम्हारे विजिलेंस ऑफिसर ने खुदकुशी कर ली, मुझे जाना होगा। बाय। मेरा विजिलेंस ऑफिसर और खुदकुशी? हटो, हटो यहाँ से, हटने वाले। कैसे हुआ? इसने पटरी पर सिर दे दिया, सुसाइड का केस है। किसने बोला? लोगों ने।
तुम क्या सोचते हो? मैं भी वही सोचता हूँ। कल से यहाँ पर रेल रोक आंदोलन चल रहा है, तो कोई गाड़ी भी नहीं चल रही होगी, ठीक कह रही हूँ? जी हाँ मैडम। जब गाड़ी नहीं चल रही तो खुदकुशी कैसे? ठीक कहा मैडम। तो तुमने कैसे सोच लिया कि ये खुदकुशी है? लाठी का इस्तेमाल कम करके दिमाग का इस्तेमाल ज्यादा करो, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। जी हाँ। मर्डर कितने बजे हुआ? कल दिन में तकरीबन 12:30 बजे हुआ था मैडम। उंगलियों के निशान तो मिले होंगे? फोरेंसिक रिपोर्ट के आने के बाद ही मालूम पड़ेगा मैडम। नमस्ते बहन, मेरा नाम झांसी है। तुम्हारे मरहूम पति के केस की तहकीकात मैं कर रही हूँ। तुम्हारे जज्बा समझती हूँ। मैंने उनके माथे पर तिलक देखा, क्या वो कल मंदिर गए थे? अच्छा, पहले तुम ये बताओ, वो वहाँ अकेले गए थे क्या? वो अकेले नहीं, हम दोनों साथ गए थे। मैंने सपने में भी नहीं सोचा था इस तरह मुझे छोड़ के चले जाएंगे। अब मैं किसके सहारे जीऊंगी? उनके बिना एक पल भी नहीं जी पाऊंगी, मैं भी मर जाऊंगी। परेशान मत हो, पर तुम्हें मेरे साथ मंदिर चलना होगा, शायद हमें सबूत मिल जाए। चलोगी? जरूर। ठीक है, चलो। रुक जाओ। तुम्हें बंद कर, हट, चल उठ यहाँ से। तुम डॉक्टर और तुम्हारा फर्ज है मरीजों को बचाना, और एक पुलिस ऑफिसर का फर्ज होता है गुंडों को उठाना। Got it? क्यों बे? तुझे हार्ट प्रॉब्लम है? किडनी प्रॉब्लम है तुझे? नर्वस प्रॉब्लम है? ले, तेरी सारी प्रॉब्लम ठीक कर दी, और बाकी की प्रॉब्लम मैं पुलिस स्टेशन जाके ठीक करती हूँ। चल, 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 चल बे। कमिश्नर जासी, पिछले एक घंटे से आप बोल रहे कि वो आ रहा है, लेकिन वो विटनेस कब आएगा? योर ऑनर। हाँ बोली। उसके आते ही प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। एसीपी झांसी मुर्दाबाद, एसीपी झांसी मुर्दाबाद, झांसी मुर्दाबाद, 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 मुर्दाबाद। व्हाट इज दिस नॉनसेंस? कौन है यहां? योर ऑनर, ये सब इस केस से जुड़े हुए हैं। मेरा भाई बेकसूर है, वहां कटघरे में मेरे भाई को नहीं, एसीपी झांसी को होना चाहिए। क्या हुआ, खुलासा दो। आई एम सॉरी मैडम, गलती हो गई। आप क्या कहना चाहते हैं? ड्राइवर अदालत में गवाही देने आ रहा था, लेकिन उसे मरवा दिया इसी एसीपी ने। यही है आखिरी साक्षी, सामने होकर भी गवाही नहीं दे पाएगा। जो कुछ कहना है कटघरे में आकर। हमेशा की तरह पुलिस हमारे पास हफ्ता लेने आती थी, लेकिन इस बार हमने देने से इनकार कर दिया, इसीलिए एसपी बदला ले रही है। ऑनर जज साहब, मेरा भाई बेगुनाह है, ड्राइवर ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है, मगर एसपी झांसी जानबूझकर मेरे भाई को फंसा रही है। ड्राइवर को डरा धमका के पुलिस वालों ने यह कहने पर मजबूर कर दिया कि मेरे भाई ने ही एक्सीडेंट किया है। जब उसने ऐसा कहने से इनकार किया तो उसे हमेशा हमेशा के लिए रास्ते से हटा दिया गया। ऑनर यह बिल्कुल सच कह रहा है योर ऑनर, पुलिस ने गोली मारी ऐसा कहकर उसकी लाश को इस पेटी में डाला है। अगर इस तरह के हादसों को रोकना है तो कमिश्नर झांसी और उस थाने के थानेदार को सर्विस से निलंबित करके कड़ी सी कड़ी सजा दी जाए, यही मेरी दरख्वास्त है। दैट्स ऑल योर ऑनर।
एसीपी झांसी, आप क्या कहना चाहती हैं? विजिलेंस ऑफिसर की पत्नी का कातिल प्रयागराज है और गवाह है ड्राइवर। ड्राइवर की तो मौत हो चुकी है, कैसे गवाही दे सकता है वो? गवाही ड्राइवर ही देगा यौना। मतलब यहाँ पर जो लाश पड़ी वो बोलेगी क्या? मेरी इन्वेस्टिगेशन गलत हो ही नहीं सकती, ये मुर्दा उठेगा और गवाही भी देगा। लगता है इसके दिमाग खराब है। देखकर तुम्हारे होश उड़ गए क्या? अब तुम्हारी अकल ठिकाने लगाने के लिए तुम्हें जेल भेजेगा पागलखाना। एसीपी झांसी, ये सब क्या है? वन मिनट योना, इंस्पेक्टर हकीकत बयान करो। यस मैडम, योर ऑर्डर। जब ड्राइवर को अदालत में लेके आ रहे थे उस वक्त ये लोग पुलिस चौकी के बाहर खड़े कर सब खून करने के इंतजार कर रहे थे, वो मैंने देख लिया और मैडम को बता दिया। मैडम के प्लान के अनुसार हमने ड्रामा किया, दैट्स ऑल योर ऑर्डर। नहीं तो इन लोगों ने तो मुझे मार ही दिया होता। सच में विजिलेंस ऑफिसर की पत्नी की हत्या प्रयागराज ने ही की है। ये झूठ बोल रहा है। सच और झूठ का फैसला अदालत करेगी। यौन विजिलेंस ऑफिसर की पत्नी की हत्या इसी ने की है और मेरी आपसे गुजारिश है कि इसे सख्त से सख्त सजा दी जाए। इस ड्राइवर की गवाही से पता चलता है कि विजिलेंस ऑफिसर की पत्नी की हत्या प्रयागराज ने ही की है, इसलिए सेक्शन 302 के तहत इस हत्यारे को अदालत उम्र कैद की सजा सुनाती है। ओह हाय कृति, हाउ आर यू? आई एम फाइन। छुट्टी के दिन घर में आराम कर रहे हैं जीजा जी? नहीं तो तुम्हारी दीदी लाठी से मार मार के मेरे घुटने तोड़ देगी। बहुत हो गया, कोई सुनेगा तो सच मान लेगा। तुम आजकल सिर्फ मॉडलिंग कर रहे हो या डांस भी? वैसे मुझे डांस बहुत पसंद है। तुम्हें ही नहीं, मेरी पत्नी को भी बहुत पसंद है। शादी से पहले ये भी डांस करती थी। क्या ये सच है दीदी? वाओ, आप कौन सा डांस करती थी? कुचिपुड़ी? नहीं, भरतनाट्यम। पुलिस ऑफिसर बनने के बाद ये राजनेताओं और गुंडों के साथ डांस कर रही है। ऐसे करती है ना? You are right, my son. सब तुम्हारी शह, तुमने इसे बिगाड़ा है। छोड़िए बीना, बच्चा है इसे करने दीजिए। बड़ा होकर ये भी मेरी तरह डांसर बनेगा। हाँ हाँ मम्मी, मैं भी बड़ा होकर डांसर बनूंगा। वेरी गुड बेटा। अच्छा तो फिर मैं चलती हूँ, बाय। इस्तीफा देने की क्या जरूरत थी तुम्हें? इस्तीफा देने की एक वजह थी। आखिर वजह क्या है, कहो। मैं मुजरिमों के बीच काम नहीं कर सकता। क्यों जी? अगर शरीर का कोई अंग बेकार हो जाए तो उसे काटते नहीं हैं, इलाज करते हैं, है ना? ये सब किताबों में अच्छा लगता है, प्रैक्टिकली नहीं। ये इस देश में दीमक की तरह है और वही दीमक मैं नहीं बनना चाहता हूँ। मुश्किलों का सामना करने की हिम्मत नहीं थी तुम्हें तो आईएएस अफसर बनने की क्या जरूरत थी? पागल हो गया था। झांसी ठीक कहती है। पिताजी आप बीच मत बोलिए। मैं वाला क्यों ना बोलूं बीच में? अरे झांसी के परिवार वालों ने तेरे बारे में मुझसे शिकायत की, फिर भी तुम दोनों की शादी मैंने कराई थी। देखिए पिताजी, ये मेरे उसूलों के खिलाफ है, आप नहीं समझेंगे, आप जाइए। क्यों जी? जल्दबाजी का काम शैतान का होता है, जरा ठंडे दिमाग से सोचो ना। सुनो, मेरे काम से इस्तीफा देना अगर तुम्हें पसंद नहीं है तो पति से भी इस्तीफा दे सकता हूँ। चेतन ने नौकरी से इस्तीफा दिया तो मैंने गलत समझा, मगर आज मुझे एहसास हो रहा है कि उसने ठीक ही किया। लोग इंसाफ के लिए अदालत जाते हैं, अगर वही इंसाफ ना मिले तो कहां जाएंगे?
तुम भी इस्तीफा दे दो, तभी हम चैन की सांस ले सकेंगे बेटी। मैडम आपके लिए फोन। हेलो, फोन क्यों किया? पति पत्नी के बीच जब झगड़ा हो जाए तो किसी को बीच में नहीं बोलना चाहिए, फिर भी ससुर होने के नाते। कहिए बाबूजी। देखो पति पत्नी के बीच तो झगड़े होते ही रहते हैं, इसका मतलब ये नहीं होता है कि दोनों एक दूसरे से अलग हो जाएं और अपनी जिंदगी बर्बाद कर दें। बेहतर यही होगा कि दोनों एक दूसरे को समझने की कोशिश करें। और तुम तो पढ़ी लिखी हो। हुजूर खता हो गई, खता बख्श दो। सॉरी सॉरी सॉरी। एसीपी झांसी तुम्हें हुक्म देती है, झट से खड़े हो जाओ। कम ऑन। क्या एसीपी झांसी? एक काम करो, तुम भी आ जाओ। जिस तरह कानून की रखवाली करना मेरा फर्ज है, उसी तरह तुम्हारी देखरेख करना भी मेरा फर्ज है, समझे? बहुत अच्छी तरह समझ गया। आज नहीं कल। कल क्यों? सस्पेंस। सुनो भट्टाचार्य जी, तुम बहुत दिनों से काम करते हो। हाँ जी। किसी को ऊपर जाते हो देखा? कल छूटू आया था, झगड़ा करके चला गया। क्या? गुड मॉर्निंग बाबूजी। गुड मॉर्निंग। कहाँ से आ रही हो बेटी? मंदिर गई थी। कोई खास मन्नत? आज शादी की सालगिरह है। अरे रे, मैं तो भूल ही गया। जिससे इसने शादी की जब उसी को भूल गई तो आपको कैसे याद रखेंगी? मुझे तो लगता है कि रिटायर होने के बाद मुझे कुछ भी याद नहीं रहता। हमें आशीर्वाद दीजिए। सुखी रहो। ठीक है ठीक है। मैंने सोचा तुम आईएएस ऑफिसर बनने के बाद सातवें आसमान से भी आगे निकल जाओगे। देखो तुम जैसी एक आईपीएस ऑफिसर मेरे बेटे की पत्नी बनी, इसका मुझे बहुत गर्व है। सदा सुहागन रहो, ये मेरा आशीर्वाद। थैंक यू बाबूजी। हाय दीदी। हाय। शादी की सालगिरह मुबारक। थैंक यू। आपको भी मुबारक हो जीजाजी। बैठो। तुम मुझे कब विश करोगी? जब तुम्हारी शादी हो जाएगी। और मेरी शादी कब होगी दीदी? जब तुम बड़े होगे। तुम्हें बोट की जरूरत नहीं। मम्मी मुझे ऐसी बोट चाहिए, मैं उसमें घूमने जाऊंगा। लेकिन क्यों? तुम्हें बोट की जरूरत नहीं कीर्ति। जब ये बड़ा हो जाएगा तो किसी लड़के के साथ चला जाएगा। मेरे बुढ़ापे का क्या होगा? डैडी आएंगे। वैसे भी तुम्हारे साथ कोई नहीं आएगा। क्यों नहीं? तुम्हारे डैडी कभी नहीं आएंगे क्योंकि इन्हें पानी से डर लगता है। ये सच है डैडी? हाँ मैं सच कह रही हूँ। झांसी। हाँ आ रही हूँ। आज हम घूमने जा रहे हैं। कार से? बोट से। बोट से? पर तुम्हें पानी से डर लगता है। मैं कोशिश करूँगा तुम्हारी खातिर। ठीक है चलते हैं, लेकिन विजू का क्या होगा? दीदी आप दोनों के बीच विजू क्यों? मैं उसका ख्याल रखूंगी, आप जाइए। तुम ख्याल रखोगी? एक दिन अपने नन्हे दोस्त के साथ रहने दीजिए प्लीज दीदी। आप बेफिक्र होकर जाइए। ठीक है तुम भी इसका ख्याल रखना। अरे इसकी बात क्या करती हो, जब देखो टेंशन देती रहती है। कभी इसका चक्कर कभी उसका चक्कर, कुल मिला के देखा जाए तो मैं इनके चक्करों में बुरी तरह फंस गया हूँ। दरअसल देखा जाए तो हनीमून भी ठीक से मैं नहीं मना सका हूँ। बहुत हो गया। हाँ तो कीर्ति तुम उसका जरा ख्याल रखना ठीक है? समझदार हो। आदत से बाज नहीं आएंगे ये। जल्दी चलो, नहीं तो जाओ ना। चुप देखो बच्चे की तरह चलो। Thank you.
झांसी आज तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। ये तुम्हारा नजरिया है। साहब लाश नहीं मिली। सभी जगह सर्च किया क्या? गहराई तक जाके ढूंढा साहब। ठीक है, तुम लोग इनके साथ जाओ। साहब लाश मिल गई। इज इट? आइए सर। तो आपको ही बताना है। हम तो समुद्र की सैर करने निकले थे, इनके साथ क्या हुआ मैं नहीं जानती। कंट्रोल योरसेल्फ मैडम, कंट्रोल। इन्हें यहाँ से ले जाइए। सर, हम इस केस की तहकीकात करेंगे और गुनाहगार को सजा दिलवाएंगे। आप यहाँ से जाइए प्लीज। प्लीज चलिए मैडम। प्लीज टेक केयर। चलिए मैडम। मम्मी क्या हुआ? मम्मी क्यों रो रही हो? दीदी मत रोना। मत रोइए ना मम्मी। मम्मी प्लीज। मैडम, आपने अपने पति राजशेखर का खून किया है। सिर्फ इतना ही नहीं मैडम, और सारे सबूत आपके खिलाफ हैं। उसी के बलबूते पर आपको गिरफ्तार किया जा रहा है। देखिए मैडम, पुलिस को अपनी ड्यूटी निभाने दीजिए। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, आपको बाहर लाने का जिम्मा मेरा है। सॉरी मैडम। दीदी सुनिए, ये सब यहाँ मत कीजिए। बिजू देख रहा है। दीदी दीदी, तुम मेरे बेटे का ख्याल एक दिन के लिए रखना चाहती थी, लेकिन अब तुम्हें उसका उम्र भर ख्याल रखना होगा। दीदी हालात ऐसे कि मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। कीर्ति दीदी, मेरी मदद करोगी? दीदी Thank you.
यू कैन प्रोसीड। तुम्हारा नाम? झांसी। जिस दिन खून हुआ उस दिन बोर्ड पर तुम्हारे पति के अलावा कोई था? जी नहीं। नोट दिस पॉइंट योर ऑनर। अच्छा ये बताओ बोर्ड पर जाने का मकसद क्या था? हमारी मैरिज एनिवर्सरी थी। ओह आई सी। हाँ मिसेस राजशेखर, आपके पति ने 25 लाख रुपए का बीमा करवाया था, क्या उसके बारे में आपको जानकारी है? मालूम है। और नॉमिनी तुम ही हो, तुम्हें पता था? मालूम है। जब उनका खून हुआ तो वो अपने बचाव के लिए चीखे चिल्लाए क्या? नहीं। दैट्स ऑल योर ऑनर। जब किसी इंसान का खून होता है तो वो अपने बचाव के लिए चीखता है चिल्लाता है, और यहां ऐसा कुछ नहीं हुआ। ये एक प्री प्लान मर्डर था योर ऑनर। इंश्योरेंस के पैसों को हड़पने के लिए इन्होंने खुद अपने हाथों से अपने पति का खून किया, और यही सच्चाई है। मैंने अपने पति का खून नहीं किया, मैंने अपने पति का खून नहीं किया, मैंने अपने पति का खून नहीं किया। मेरे खिलाफ ये साजिश है। ऑर्डर ऑर्डर। ये इल्जाम बिल्कुल गलत है। जब राजशेखर के पिता यानी कि मुलजिमा के ससुर बीच बचाव करने आए तो इन्होंने बड़ी बेरहमी से उन्हें भी मार डाला। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर, कमिश्नर झांसी ने ही अपने पति का खून किया, इसका पुख्ता सबूत नहीं है पीपी साहब के पास, तो फिर ससुर को मारने की सवाल ही नहीं उठता। ऑब्जेक्शन ओवर रूल्ड। थैंक यू योर ऑनर। अब मैं उनके घरेलू नौकर भटनागर से चंद सवाल करना चाहता हूँ। क्या आपके मालिक और मालकिन घर में कभी झगड़ते थे? दाम्पत्य जीवन में तो ये आम बात है। मतलब कभी कभार झगड़ते थे? हमेशा नहीं, कभी कभार। ठीक है तुम जा सकते हो। जी। नोट दिस पॉइंट योर ऑनर। और मेरा अगला गवाह है फॉरेंसिक डॉक्टर। डॉक्टर साहब, बोर्ड पे मिले खून और इनके खून दोनों को चेक किया है क्या? हाँ मैंने चेक किया, दोनों का ब्लड ग्रुप एक ही है, ओ नेगेटिव। यानी मरहूम राजशेखर का ब्लड ग्रुप ओ नेगेटिव था। प्लीज नोट दिस पॉइंट योर ऑनर। अब मैं कोस्ट गार्ड के ऑफिसरों से चंद सवाल करना चाहूंगा। मेरा पहला सवाल, मौका है वारदात पर आप हाजिर थे क्या? जी हाँ। खून होने के बाद आपको कोई इन्फॉर्मेशन मिली? जी नहीं। आपको वहां कोई सुराग मिला? पेट्रोलिंग के दौरान मुझे कुछ शक हुआ और मैं तुरंत बोर्ड के करीब गया। जो ही मैं वहां पहुंचा तो देखा मैडम के कपड़े पर खून के छींटे थे और उनके हाथ में चाकू। उस वक्त क्या हाथ में उनके चाकू था? जी हाँ। और उनके कपड़ों पर क्या खून के धब्बे थे? सर सिर्फ कपड़े और बदन पर ही नहीं, पूरे बोर्ड पर ही खून था। बोर्ड से बरामद टेप रिकॉर्डर और चाकू और डेड बॉडी के पास मिली कान की बूटी, इन सब को हमने कोर्ट को सौंप दी है। अच्छा ये बताओ तुमने रात में जाकर देखा है ना? क्यों, मैंने ठीक कहा? नहीं साहब, मैंने दिन में जाकर देखा। बे और बेगाओ, मरने से पहले मरहूम राजशेखर की खूनी के साथ हाथापाई हुई थी और उसका पुख्ता सबूत इस टेप रिकॉर्डर के अंदर मौजूद है। जैसे तुम ये क्या कर रही हो? मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, हेल्प मी, हेल्प मी, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। आप क्या कहती है मिसेस राजशेखर, अपने मरहूम पति की आवाज सुनकर आपके होश उड़ गए क्या? आप सच्चाई को झुठला नहीं सकते मिसेस राजशेखर। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। सब जानते हैं कि यह राजशेखर की आवाज है, लेकिन राजशेखर ने इस टेप में यह जिक्र नहीं किया कि कोई से चाकू से मारा या कोई पिस्तौल से शूट कर रहा है। बिना सबूत के हम किसी को गुनाहगार ठहरा नहीं सकते। सारे सबूत और गवाह मुलजिमा मिसेस राजशेखर के खिलाफ है, इसका अंदाजा शायद आपको अब तक लग चुका होगा। योर ऑनर, इन्होंने चंद कागज के टुकड़ों के लालच में आकर अपने पति का खून किया है। इन्होंने जो जुर्म किए हैं वो बहुत शर्मनाक है और साबित हो चुके हैं, इसीलिए अदालत से दरख्वास्त है कि इन्हें कड़ी से कड़ी सजा दी। सारे सबूत और गवाहों के बयान से यह साबित हो गया है कि मिसेस राजशेखर ने ही अपने पति का खून किया है, इसलिए अदालत आईपीसी 302 के तहत इन्हें मुजरिम करार देते हुए 13 साल की कड़ी से कड़ी सजा सुनाती है।
मैं जानता हूं कि मैं इस अदालत में नाकाम रहा हूं, लेकिन ऊपरी अदालत में जाकर किसी भी तरह मैं आपको रिहा कराऊंगा, यह मेरा दावा है। कीर्ति, मेरा बेटा कहाँ है? भगवान मेरी जिंदगी के साथ ऐसा खिलवाड़ क्यों कर रहा है मैं नहीं जानती, लेकिन उसकी मर्जी से ही आज तुम मुझे मिल गई हो। ये सब मेरे बेटे को मत बताना, उसका ख्याल रखना। वकील साहब, मेरे अकाउंट में 25,000 रुपए हैं, उन्हें कीर्ति के नाम पे ट्रांसफर कर दीजिए, और जो इंश्योरेंस के पैसे मिलेंगे उन्हें विजू के नाम से फिक्स डिपॉजिट में जमा कर दीजिएगा। विजू को हर हफ्ते मुझसे मिलवाने जरूर लाना कीर्ति। देती हूँ। अरे इस नगमा के होते हुए अगर किसी भी माई के लाल ने इधर की किसी छोरी पर नजर डाली तो दोनों आँखों को फोड़कर नमक मिर्च लगा दूंगी। आई बात समझ में? हाँ, और आगे से किसी भी लड़की को देखने के लिए तेरे थोपड़े में आंखें नहीं रहेंगी, इस बात को गांठ बांध के रख ले। अगर किसी भी लड़की को देखा तो मैं आँखों में क्या लगाऊंगी? नमक मिर्च। हाँ बिल्कुल ठीक बोला, चल कुत्ते चल फूट चल। आज के बाद इस कंपाउंड के अंदर नजर आया तो मैं तुम्हें काट कर फेंक दूंगी। छोड़ मुझे, छोड़ दीजिए मुझे, छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए मुझे, छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए मुझे। सर, कृष्णा का तबादला कर दो, उसी में हमारी बधाई है। सर, इसने लखनऊ में भी एक लड़की के साथ ऐसी गंदी हरकत की और लोगों ने जमकर इसकी पिटाई की। फाड़ के रख दूंगी। नमस्ते पुलिस मैडम। अगर बस्ती में कोई मस्ती करता है तो आप ठीक करती हो, अगर यहाँ कोई मस्ती करता है तो अपन ठीक करती है। हाँ। पुलिस मैडम, तुम्हारा और अपन का केस एक ही है। हाँ। शादी के बाद अपन पति के साथ मजे में थी, जानती हो एक दिन उनकी जिंदगी में एक लौंडी आई और उनको लेकर दूर चली गई। आगे की कहानी सुनेगी तो आप रो पड़ेंगी। अपुन ने अपने पति से कहा, औरों की तरह आंसू बहाने वालों में से मैं नहीं हूँ। फिर क्या, अपुन का खोपड़ी फिर गया, दोनों को खलास करके फेंक दिया। पुलिस मैडम, तुम्हारे पति का भी किसी पोटी के साथ टांगा बिड़ा था क्या? नहीं, वो ऐसे नहीं थे, वो मुझे बहुत प्यार करते थे। फिर तुमने मारा क्यों? मैंने नहीं मारा, किसी ने जानबूझकर इल्जाम मेरे सर मर दिया। ऐसा क्या? अब तुम जेल में हो, तुम्हें देखने के लिए कोई आएगा क्या? कौन आएगा? मेरा बेटा। अरे वाह, फिर फिक्र क्यों करती हो? सुनो, शेर जैसे बेटे के होते हुए चीज की बिल्कुल चिंता नहीं करनी चाहिए। पुलिस मैडम, मेरी बात मानो, मेरे होते हुए आपको जेल में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं हुई। मेरी बात मानो, मैं हूँ ना यहाँ। मम्मी, 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 विजू, मम्मी, विजू,
कैसे हो? मैं ठीक हूँ, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बोलो ना मम्मी, तुम यहाँ पर क्यों हो? ड्यूटी खत्म होते ही आ जाऊंगी। तुम घर कब आओगी मम्मी? मैं जल्दी आ जाऊंगी, तुम अपना ख्याल रखना ठीक है? मैं स्पेशल ड्यूटी पर हूँ ना, खत्म होते ही आ जाऊंगी। दीदी अगर तुम्हें हिम्मत आ रही तो इस नन्हे से बच्चे को कौन संभालेगा? वकील साहब, इंश्योरेंस का पैसा जमा कर दिया? हाँ मैडम, दो दिन पहले मैंने इंश्योरेंस के पैसे जमा कर दिए और सारे कागजात मैं अपने साथ लेकर आया हूँ। कीर्ति, इसे तुम रख लो, विजू का ख्याल रखना। ठीक है दीदी। विजू, तुम ठीक से पढ़ाई करना, टाइम पे खाना खाना और आंटी को परेशान मत करना। दादा नहीं है, डैडी नहीं है, तुम भी नहीं हो मम्मी। मैं कैसे खा सकता हूँ? तुम आ जाओ ना मम्मी, वापस आ जाओ मम्मी, मम्मी, मम्मी। मैडम टाइम हो गया। जो आंटी कहे वही करना, अपना ख्याल रखना, जाओ। चलो बिजू, चलो। ओके, सी यू मैडम। बैठो बैठो, आओ। क्या बात है, किस सोच में डूबी हो? हाँ मैं अपने बेटे के बारे में सोच रही हूँ, मैं अंदर हूँ और वो बाहर। सुनो बहन, तुम बच्चे की भविष्य के बारे में चिंता मत करो, जिसने उसे जन्म दिया है वही रक्षा करेगा, समझ गई ना? अंदर तुम्हारी रक्षा और बाहर उसकी रक्षा, सब उस पे छोड़ दो। मैं उन पापियों का विनाश करना चाहती हूँ जिन्होंने हम माँ बेटे को जुदा कर दिया। जिसने जुदा किया है वही मिलाएगा, और तू जिस पाप का अंत करने के लिए निकली है झांसी, वो सबसे बड़ा आईपीएस है ये जान ले तू। थोड़ा भरोसा रख तू। भरोसा ही है। मैंने अपने पति का खून नहीं किया, इसे कोर्ट ने नहीं माना, ना ही मेरे डिपार्टमेंट ने, और आपने भी मेरा विश्वास नहीं किया। वो बाहर जिंदा घूम रहा सर। क्या कहा? हाँ सर, मेरा पति राजशेखर जिंदा है। मतलब वो पुलिस वाले बेवकूफ है जिन्होंने मृत घोषित किया, या फिर वो जज पागल है जिन्होंने आपको सजा सुनाई? सर मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ, ये सब मेरे पति की साजिश थी। एक मिनट, आप खुद सुनिए। The number you have dialed is not in use. ये क्या बकवास है? तुम ही सुनो, सुनो इसे, सुनो।
देखिए आप एक पुलिस अफसर हैं इसलिए मैं इज्जत से पेश आ रहा हूँ। आगे से ऐसी हरकत की तो सीधे मेंटल हॉस्पिटल भेजूंगा। माइंड इट। क्या बोली थी तुमने? तो दावा किया था कि हम सबको हमेशा के लिए जेल के अंदर चक्की पिसवाओगी, खुद चक्की पीस रही हो। कैसी जेल यात्रा? जब शेर पिंजरे में रहता तो तेरे जैसे कुत्ते भौंकने लगते हैं। कुत्ता कहा तूने? कुत्ता नहीं, गली का कुत्ता। ए, तूने मुझे मेरे भाई से जुदा करवा दिया, बदले में मैंने तुझे तेरे बेटे से जुदा करवा के जेल भिजवा दिया। कानून के हाथ से तुम बच सकते हो लेकिन इस झांसी के हाथ से नहीं। मतलब जेल तोड़ क्या क्या मैं मारोगी तुम? तुम सबको ऊपर भेजने के लिए मुझे जेल से भागने की जरूरत नहीं। अभी इसी वक्त मार सकती हूँ लेकिन अभी नहीं। पुराना हिसाब किताब तो मुझे चुकता करना है। तुम लोग खुद अपनी मौत मरोगे। आई बात समझ में? हमको मारने वाली हो? ब्लड प्रेशर क्यों बढ़ा रहे हो? काफी वक्त है मरने के लिए, चले जाओ। जेल में भी हकड़ी दिखा रही है। बंद कर। आइंदा इस जेल की तरफ आया तो उसी वक्त मार दूंगी मैं। चलो बाबू आए मार देंगे। चलो यहाँ यहाँ। ए, क्या हुआ? कमोल, आ जाओ ना। मैं बहुत टेंशन में हूँ। हाँ, वो पुलिस ऑफिसर है, डेफिनेटली यहाँ आएगी। नहीं आएगी, वो जेल में है, जेल में ही दम तोड़ देगी। झांसी को कम मत समझना, वो कुछ भी करके बाहर आ जाएगी। तुम शायद नहीं जानती हो, वो हमें इतनी आसानी से नहीं छोड़ेगी। उसका बस चला तो वो हमें जान से भी मार सकती है। hey, क्या हुआ? Daddy, क्या हुआ? मुझे नींद नहीं आ रही है डैडी, मुझे मम्मी के पास जाना है डैडी, मुझे मम्मी चाहिए डैडी, मम्मी के पास ले जाओ ना डैडी, मम्मी चाहिए। Hey, चुप कर। मम्मी जो बच्चे माँ से बिछड़ जाते हैं वो माँ के ममता को नहीं समझ पाते। क्या ये सच है नगमा? ये बात 16 ने सच है पुलिस मैडम, और कितने दिन अपने बेटे की तस्वीर को सीने से लगाकर रोती रहेगी। मासूम बच्चे को उसकी माँ से अलग कर दिया उसने, और इस तरह 4 साल गुजर गए हैं और आज इस माँ का दिल तड़प रहा है उसे देखने के लिए, मगर मैं बेटे से ही मिलना है ना तुम्हें। यहाँ से भाग जाओ। अगर मुझे बाहर ही जाना है तो मैं पेरोल पे जा सकती हूँ, भाग के क्यों जाऊं? वकील साहब, पेरोल की अर्जी दे दी। हाँ दे दी, 4 दिन में सैंक्शन हो जाएगा। एक और बात, आपका पैरोल से बाहर आने का मकसद जेल से भागने का नहीं, ऐसे जेलर को लिखकर देना पड़ेगा। अगर मुझे भागना है तो पैरोल की अर्जी क्यों दूं? ये सब उनकी समझ से बाहर है, जब तक आप नहीं समझाएंगे वो नहीं समझेंगे। सुनो नगमा, तुमने ये कहावत सुनी होगी कि घर का भेद ही लंका ढाए, लेकिन मैं एक पुलिस ऑफिसर होते हुए भी उसे पहचान नहीं पाई। लानत है मुझ पे। अरे पुलिस मैडम, जब से मैंने होश संभाला तब से यही देखते आ रही हूँ कि हम औरतों को ही मर्द के जुल्म सहने पड़ते हैं। हम औरतों के जज्बात से खेलकर मर्द खुद को बहादुर समझते हैं। जुल्म करने वाला चाहे अपना पति हो या अपनी औलाद, उसके शरीर को
इस आरे से चीर देना चाहिए। फैशन टेक्नोलॉजी से मेरे लिए एक फोन आया था। वो कोई एड फिल्म बना रहे हैं। मैं जाऊं क्या? मुझे पसंद नहीं। मतलब एड फिल्म करना छोड़ दूं क्या? हे, तेरे लिए मैंने अपनी पत्नी को छोड़ दिया, तू मेरे लिए मॉडलिंग नहीं छोड़ सकती? ओके, एड फिल्म छोड़ दूंगी। अरे आइसक्रीम पिघल रही है। हाँ आइसक्रीम तो पिघल रही है, पर वो उछल रही है। एक मिनट अभी आया। कहाँ जा रहे हैं? मैं सिर्फ इतना कह सकती हूँ कि ये मेरी बदकिस्मती है। एक पत्नी अपने पति के बगैर रह सकती है, लेकिन एक माँ अपनी औलाद को देखे बगैर नहीं रह सकती। मैं अपने बेटे से मिलने के लिए तड़प रही हूँ, एक मुजरिम की हैसियत से नहीं, बल्कि एक माँ की ममता का वास्ता देते हुए कहती हूँ कि मुझे मेरे बेटे से मिलने दीजिए, मुझे निराश मत करना प्लीज। ओके, तुम्हें पेरोल मिल जाएगा। 6 महीने तुम्हें ऑब्जर्वेशन में रहना होगा। थैंक यू सर। ये लीजिए पेरोल ऑर्डर, अपने इलाके के इंस्पेक्टर से मिलके ये उन्हें दे दीजिए आप। ठीक है सर। पति के गुजर जाने के बाद पत्नी को अपने गले से मंगलसूत्र उतारना पड़ता है। अजीब इत्तेफाक है, मेरे पति ने तो जीते जी मेरे गले से इस मंगलसूत्र को उतरवा दिया। अब ये किस लिए? क्या? देखिए सर, आप इसे बेचकर पैसों को कैदियों के वेलफेयर फंड में जमा कर दीजिए। पुलिस मैडम रुकिए पुलिस मैडम। भला अपने जिगर के टुकड़े को कोई छोड़ जाएगा? नगमा। हाँ मैडम, इसी टुकड़े को आप वहाँ छोड़ आई थी। थैंक्स नगमा, तुम मेरे कुछ भी नहीं हो, फिर भी अपनों से ज्यादा अपनापन दिखाया। इसके खिलाफ बहुत सारे रेप के मर्डर के। आप उन टाइगर के बारे में तुम लोग भी जानते हैं? मेरे पीछे एमएलए एमपी की लाइन लगी हुई है, ये जानते हुए भी तुम लोगों ने मुझे मार मार के फलूड़ा बना दिया। पुलिस स्टेशन में बम डाल के शमशान घाट बना दूंगा इसे। पुलिस ने तेरी पिटाई की? जख्म देख के दिखता नहीं क्या? हथकड़ी खोलो। सर खोलो। इन चारों में तुम्हें किसने मारा? इन चारों ने मारा। तो फिर तुम चारों को नॉकआउट कर दो। क्या शान है इनकी, कुछ सोचे समझे बिना हथकड़ी पहना कर इन्हें मेरे सामने घसीट कर लाए हो। क्या सोच रही हो, निकाले भड़ास। अरे मैं बोल रहा हूँ कर बिठाए। अब खुश हो ना? आइंदा बड़े लोगों के साथ किस तरह पेश आना चाहिए ये सीखो। आप जाइए ना, जाइए। बहुत थैंक्स उस्ताद, नए नए आने के बावजूद भी तुमने हमारे बारे में जान के रखा है। चलता हूँ। आप जैसे नेता की कदर मैं ही जानता हूँ, जाइए। कभी कभी हमारे अड्डे पे आ जाना। ड्यूटी पर तैनात पुलिस वाले को जख्मी करके भागने की कोशिश कर रहा था तो मैंने इसे गोली मारी। सर
लाश को पंचनामा के लिए भेजो। ओके सर। बहुत उछल रहा था, बोलती बंद हो गई तेरी। तुम बहुत टफ हो, गुंडे और पॉलिटिशियन की हवा निकल जाती है तेरे नाम से, लेकिन पैसों के खातिर अपने पति का ही खून करोगे, ये मैं नहीं जानता था। पहले मेरा पैरोल ऑर्डर देखिए। पैरोल का ये मतलब नहीं कि तुम्हें पूरी आजादी दे दी है, सिटी लिमिट्स क्रॉस की तो तुम्हें क्लोज कर दूंगा। हर रोज शाम 5 बजे स्टेशन आकर साइन करोगी। मैं काफी स्ट्रिक्ट ऑफिसर हूँ और मुझे अपनी ड्यूटी जान से प्यारी है। अगर तुमसे कोई गलती हुई तो पैरोल को कैंसिल करके तुम्हें फिर से जेल भेजूंगा मैं। आई बात समझ में? जा सकती हो। ये बता, तूने अपने पति का खून क्यों किया? खूब चर्बी चढ़ गई। ए, जबान को लगाम दो। मुझ जैसे ईमानदार पुलिस ऑफिसर से किस तरह पेश आते ये पहले सीखो। नो, डोंट शूट मी। रिवॉल्वर को नीचे रखो। कानून को हाथ में मत लेना। लोडेड रिवॉल्वर को हमेशा लॉक करके रखते हैं, ये भी नहीं जानते? केयरफुल। जरा पानी लाओ। मे आई कम इन? इस डिजाइन को हेड ऑफिस भेजो। ओके, प्लीज कम इन। हेलो, तशरीफ रखिए। इट्स ओके, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? तुम्हारी एड एजेंसी में कीर्ति नाम की लड़की काम करती थी। जी हाँ। उसका एड्रेस चाहिए। वो आपकी क्या लगती है बोलिए? वो मेरी सहेली है। आप सिर्फ लड़कियों से ही दोस्ती करती हैं? इफ यू डोंट माइंड, हम दोनों कॉफी पीकर आए क्या? थैंक्स। दरअसल मैं हुस्न का पुजारी हूँ मैडम। अच्छा, कहाँ से आ रही हैं आप? जेल से। जेल? तिहाड़ जेल से। जेल किस लिए गई आप? कार में धंधा कर रही थी या फिर किसी होटल में गई थी? अपने ही पति को तड़पा तड़पा के मारने वाली एसीपी झांसी के बारे में तो सुना ही होगा। वो झांसी मैं हूँ। क्यों जनाब, गिगी बंद हो गई? नहीं नहीं, आप तो मेरी बहन है। आई एम सॉरी। कीर्ति का एड्रेस दो। वो घर खाली करके चली गई। अगर आप फैशन टेक्नोलॉजी जाएंगी तो उसका पता जरूर मिल जाएगा आपको, लेकिन वे किसी अनजान को मॉडल्स का एड्रेस देते नहीं। फैशन टेक्नोलॉजी। ओ गॉड, बच गया। चेतन, मुंबई 71। की तो गोली सुना दूंगा मैं। hey, अगर मैं यहाँ से 9-2-11 हो गए तो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ज्यादा होशियारी नहीं रे, कूल डाउन। खुद को तुम किरण बेदी समझती हो, मुझे उल्लू बनाने की कोशिश मत करो, समझे? रोजाना 5 बजे तुम्हें स्टेशन आकर साइन करने के लिए कहा। अगर तुम आई नहीं आ सकती तो मुझे फोन कर सकती थी, मगर तुमने नहीं किया। अपनी पर्सनल प्रॉब्लम की वजह से टाइम पे स्टेशन नहीं आ पाई, उसके लिए इतना क्यों चल रहे हो? तमीज से पेश आओ। हेलो, सीनियर ऑफिसर हूँ तुम्हारी। That was once upon a time. कानून की नजर में तुम एक कैदी हो, समझ गई? मेरे हालात को समझने की कोशिश करो। मुझे उसकी कोई जरूरत नहीं। बोला ना, मैं बहुत ही स्ट्रिक्ट ऑफिसर हूँ। मुझे अपनी ड्यूटी जान से भी प्यारी है मैडम।
कम ऑन वो आगे से ऐसी हरकत की तो पेरोल को कलम करके जेल भेजूंगा मैं। मेरे हाथ से बच के निकलना मुश्किल है। कम ऑन गेट इन। कार लॉक करना भूल गई। नाउ गेट इन। लॉक के बहाने भागना चाहती हो? नो चांस, डोंट प्ले ट्रिक्स, ओके? तुम्हारी दाल यहां नहीं गलेगी। मैं लॉक करके आता हूं।
मैं चेतन से ही शादी करूंगी। हरी झंडी दिखाने पर ही रेल आगे बढ़ती है, तेरी बेटी लाल झंडी दिखाने पर भी आगे बढ़ रही है। बेटी इसका एग्जाम क्या होगा तुम जानती हो? आप ऐसी बातें क्यों करते हैं? तुम चुप रहो, बीच में बोला ना करो। प्रेमी की बात में आकर ये घर छोड़ के जा रही है, जाने दो, जाओ। वो तुम्हें जरूर धोखा देगा और तुम जरूर घर वापस आओगी, जाओ। बेटी जानसी, ये अब हमारी झांसी नहीं रही, चेतन की प्रेमिका है। मैंने सोचा मेरी बेटी आईपीएस ऑफिसर बनकर मेरे सपनों को साकार करेगी, लेकिन आज इसका तो चली गई। जैसे मुझे खबर मिली कि तुम जेल में हो, मैं तुमसे मिलना चाहती थी, लेकिन तुम्हारे पिताजी ने रोक दिया। मुझे उम्मीद थी कि एक न एक दिन तुम मुझसे मिले जरूर आओगी। चलो अंदर आओ बेटी, आओ ना। तुम बिच्ची को साथ नहीं लाई, वो अपने डैडी के साथ है। ये क्या कह रही हो? मेरे साथ धोखा हो गया माँ, बड़ा धोखा हुआ। आखिर ऐसा क्या हुआ, कहो ना। की नजर से बेगुनाह साबित करने के लिए मुझे थोड़े पैसे चाहिए। वाह, इसमें क्या है? तुम जानती हो कि तुम्हारे पिताजी दारू में सारा पैसा उड़ा देते हैं, उनसे छुपाकर कुछ पैसे रखे हैं, इसे ले लो। लोग पैसों को बैंक के लॉकर में छुपा के रखते हैं, लेकिन तेरी माँ ने तो पैसों को जमीन में गाड़ के रखा है। पैसों नहीं थे इसलिए ठर्रा पिता था भिखारे की तरह, लेकिन आज मैं 5-star होटल में जाकर स्कॉच पीऊंगा। पापा सुनिए, पिता के साथ इस तरह का ना करती हो, इसीलिए सिर्फ बांध रही हूँ। बरसों बाद बेटी घर आई है, उसके साथ ऐसा बर्ताव करते हो? बेटी झांसी इसे ले जाओ, ले जाओ, पैसे तो लेने दो। डैडी आप कभी नहीं सुधरेंगे। जाओ बेटी, जाओ यहाँ से, जाओ ना। आज मैंने सोचा खूब पीऊंगा राम, लेकिन इसने दे दिया मुझे गम। मॉर्निंग सर। पहले अपनी टोपी पहनो। अगर सीनियर ऑफिसर को सबॉर्डिनेट दिल से सलाम करे तो उसकी कीमत भी होती है, लेकिन तुम जैसे चमचों को सलाम करना कहाँ का न्याय है? पैरोल से बाहर आए कैदियों पर किस तरह निगरानी रखनी चाहिए तुम नहीं जानते? वो टफ और सिंसियर ऑफिसर भी है। वैसे एक ऑफिसर को तुम्हारे निगरानी में रख के ध्यान रखने के लिए कहा तो बजाय उसके तुम उसके हाथ का मार खा के हाथ पे हाथ धर के यहाँ पर बैठे हो। सर वो नो एक्सप्लेनेशन, तुम उसे कैसे पकड़ोगे कहाँ पकड़ोगे मैं नहीं जानता। हमें पूरी उम्मीद है कि तुम जितनी जल्दी हो सके उस ऑफिसर को पकड़ कर लाओगे। आज...
बेटा, तुम्हारा नाम क्या है? मम्मी, कोई आया है। कीर्ति यही रहते ना? मैं नहीं जानती, मैं तो किरायेदार हूँ, वो ओनर है। कौन हो तुम? कीर्ति से मिलना चाहती हूँ। कीर्ति क्या लगती है तुम्हारी? सहेली। वो हमारी किरायेदार थी, कुछ दिन पहले गैस सिलेंडर के फटने से वो बुरी तरह से जल गई। तुम्हारा नाम? मैं झांसी। तो झांसी तुम ही हो? कीर्ति तुम्हारी राह देख रही थी, जिस पर उसने यकीन किया उसी ने उसे जान से मारने की कोशिश की, उसी ने उसे जान से मारने की कोशिश की। अब वो अस्पताल में आखिरी सांसें गिन रही है। वो कहाँ है? कीर्ति, तुम आ गई दीदी। मैं जानती थी कि तुम मुझसे मिलने जरूर आओगी। तुमसे मिलने के लिए ही मैं अब तक जिंदा हूँ। मैंने तुम्हारी जिंदगी में आग लगा दी थी, उसके बदले में ईश्वर ने मेरी जिंदगी में आग लगा दी। कीर्ति, किस मुंह से मैं तुम्हें दीदी कहूंगी? वो हक भी मैंने खो दिया। मैंने तुम्हारे हंसते खेलते सुखी परिवार में आग लगा दी। आज मैं पश्चाताप की आग में जल रही हूँ दीदी। दीदी, अगर तुमने मुझे जीजाजी के साथ घुलने मिलने नहीं दिया होता दीदी, तो आज ये दिन देखना नहीं पड़ता और तुम्हें दर दर की ठोकर नहीं खानी पड़ती। कीर्ति, उस दिन क्या हुआ था? चेतन ने क्या साजिश की थी? बाबूजी का कत्ल किसने किया? प्लीज बताओ कीर्ति। बताती हूँ, सब कुछ बताती हूँ। मुझे मालूम था कि तुम जरूर आओगी। दम तोड़ने से पहले सब बताती हूँ। झांसी, मुझे बहुत प्यास लग रही है। रुको, मैं दूध ले आती हूँ। सुहागरात के दिन तुम दूध लेकर आई, मैंने पिया। लेकिन आज मैं लेकर आऊंगा, तुम पीना। ओके ओके। तुम पियो ना। मैं बाद में पीऊंगा, पहले तुम पियो। ओके। झांसी, झांसी,
हेलो, पुलिस स्टेशन से? मैं झांसी का फादर इन लॉ बोल रहा हूँ। क्या कहा? आईएसए एजेंट को ढूंढ लिया? वो बाहर गई है। नहीं, वो सेल लेके नहीं गई। ओके, मैं जाकर बता देता हूँ। हो गया, कल झांसी अपने पति के कत्ल के जुर्म में गिरफ्तार हो जाएगी और पुलिस रिकॉर्ड में लिख दिया जाएगा कि मैं मर गया। साइन करो। तैयार है बक्साला? हम अच्छी तरह जानते हैं कि तुम पैसों के लिए कुछ भी करोगे, इसलिए हमारे केस को रफा दफा करने के लिए 2 करोड़, पावर प्लांट की सिफारिश करके हमें दिलाने के लिए 5 करोड़, और विजिलेंस ऑफिसर की हत्या से हम सबको रिहा करवाने के लिए 3 करोड़। पूरा 10 करोड़। आईएएस ऑफिसर बनकर अखा जिंदगी में तुम कमाई नहीं सके इतना पैसा, एक रात में कमाई लिया। इन पैसों का क्या करोगे बबुआ? अगर यहाँ रहा तो पुलिस एक ना एक दिन मुझे ढूंढ निकालेगी, इसलिए कहीं दूर जाकर इन पैसों से एक नई जिंदगी की शुरुआत करूंगा। गुड बाय, गुड बाय टू ऑल। चेतन, क्या अंधेरे के तुम्हारे कारनामे अब रोशनी में आ गए? हैरान हो गए? कितने ही कुर्बानियों के बाद कमाई हुई आईएएस डिग्री तुमने देश के दुश्मनों के हाथ बेच दी। पैसों की खातिर तुमने अपनी पत्नी को ही दांव पर लगा दिया। मैं अभी जाकर झांसी को सब कुछ बता देता हूँ। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, सबका अंदर करवा दूंगा। बेटी झांसी, झांसी। इन्हें मारकर मैंने कोई गलती नहीं की ना? अगर तुमने इसे मारने में जरा सी देर की होती तो शायद मैं मार देता। कम ऑन। आपकी किस्मत में यही लिखा था। अपने गुनाहों पर पर्दा डालने के लिए उसने तुम्हें जेल की सलाखों के पीछे भेज दिया और मुझे अपने जाल में फंसा लिया। जब मुझसे जी भर गया तो गैस लीक करके मुझे मारने की कोशिश की, पर मैं बच गई। जिस आदमी ने अग्नि को साक्षी मानकर मेरे साथ साथ फेरे लिए थे, उसने मुझे ही नहीं बख्शा तो वो तुम्हें क्यों बख्शता? तुम उसके जाल में कैसे फंसी? कीर्ति, चेतन कहाँ है? सुनने में आया है कि वो एक लड़की को अपने जाल में फंसा कर विचू के साथ परसों ही गोवा गया है। मेरा विचू तो ठीक है ना? विचू के नाम से बैंक में जो पैसे डिपॉजिट है 6 महीने में वो मैच्योर हो जाएंगे, उसके बाद वो विचू को भी खत्म कर देगा। मुझे बहुत डर लग रहा है दीदी, विचू को बचा लो दीदी, बचा लो। मरने से पहले मेरी एक ही ख्वाहिश है, तुम उसे मार डालो, वरना वो मुझ जैसी मासूम लड़कियों के साथ खेलता रहेगा। हो सके तो मुझे माफ कर दो। कीर्ति, कीर्ति, yes।
आप दोनों ही झांसी के माता पिता हैं, राइट? माँ ये खड़ी है, बाप मैं नहीं हूँ। क्या? हाँ नहीं हूँ। कहना नहीं, झांसी से रिश्ता तो उसी दिन टूट गया जिस दिन वो चली गई। कल शाम से, यानी कल वो यहाँ आई थी। आप इनकी बातों पर यकीन मत कीजिए, ये तो सुबह से ऐसे ही बके जा रहे हैं। कसम से झांसी यहाँ नहीं आई। सही कहा, सही कहा। ठीक है, चलता हूँ। ओके। मिस्टर नारंग, आपसे जरूरी बात करनी है, आइए। फॉलोइंग। यू आर सो ब्यूटीफुल। कुछ और लाऊं? अरे कुछ नहीं चाहिए यार, जाओ ना, जाओ। ओके। इतने दिनों तक बैचलर रहने में मुझे बहुत खुशी हो रही है। आई एम वेरी लकी। अच्छा? नहीं तो तुम जैसे खूबसूरत लड़की से शादी करने का मौका मुझे कहाँ से मिलता? अच्छा ये बताओ, मुझसे शादी कब करोगे? पहले सुहागरात, उसके बाद। तुम कौन हो जिसके साथ तुम आंख लड़ा रही हो? उसकी पत्नी यहाँ मेरे बेटे को लेने आई हूँ। नो नम्रता, तुम शादीशुदा हो, ऊपर से एक बच्चे के बाप। नम्रता मेरी बात तो सुनो। तुमने मुझसे कहा कि तुम कुवारे हो, तुमने मुझे धोखा दिया। मेरी बात तो सुनो। एक थप्पड़ से ये हाल है, बेगुनाह होते हुए भी गुनेगार की सजा काटी मैंने, मेरा क्या हाल हुआ होगा? इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, मेरा बेटा और मेरी पत्नी खुश रहे इसके लिए मैंने ये सब किया, ड्रामा किया बस, पर मैं नहीं जानता था कि उसमें तुम फंस जाओगी। बताओ कीर्ति कहाँ गई? कीर्ति? वो एक बीती कहानी है। इसलिए उसे खत्म कर दिया? मैंने उसे नहीं मारा, वो एक हादसा था। उसने मुझे सब कुछ बता दिया। मेरा बेटा कहाँ है कहो? पहले मेरी बात सुनो। अपनी सफाई देना बंद करो, आज तक तुम कहते रहे और मैं सुनती रही, अब मैं कहूंगी और तुम्हें सुनना पड़ेगा। मेरा बेटा विजू, मुझे लौटा दो। मैं तुमसे बाद में निपटूंगी। एक्सक्यूज मी। यस आई एम विनोद, कमिंग फ्रॉम आंध्र प्रदेश। प्लीज सी दिस। इन्हें जानते हैं? नहीं। यह है कमिश्नर झांसी, पुलिस को इनकी तलाश है। अगर आप इन्हें कहीं देखते हैं तो तुरंत निकट के पुलिस स्टेशन में इन्फॉर्म कर दीजिए, दैट्स ऑल। गोवा के हर पुलिस स्टेशन में मैंने इनकी सूचना दे दी है। सिर्फ यही नहीं, यहाँ के हर होटल में हम इनको तलाश रहे हैं। गॉट इट? प्लीज कोऑपरेट विद अस। थैंक यू वेरी मच। ओके, थैंक यू। हेलो। तुम्हें मौत से बिल्कुल डर नहीं? मैं और डर जाऊं? तुम्हारी तरह पुलिस को देखकर भागने वाला मैं नहीं हूं। इसका फैसला वक्त ही करेगा चेतन, मुझे मेरा बेटा दे दो, तुम्हें छोड़ दूंगी। ठीक है, कल सुबह 7 बजे सेंट जेवियर्स चाचा जाना। अरे वो झांसी, तुहार बेटा का जगह हमको देख के बहुत घबरा गए का? तुहार पति हमको भेजा यहाँ। अरे हम लोगों को अंदर करवाने की बात कर रही थी ना, और हम अंदर जाना चाहते हैं, क्या इरादा है? अच्छा इसलिए आए हो? नहीं, तेरा काम तमाम करने आए हैं। कल सुबह गोवा के सड़कों पर तेरी लाश के टुकड़ों को कुत्ते नोचते रहेंगे। चलो पकड़ो इसे।
जासी तो हमारा फ्यूज ही उड़ा दिया। ए कुत्तों, मैं तुम्हें एक और चांस देती हूँ, अगर हिम्मत है तो मुझे मार के देखो। का बबुआ, बंदूक हमारे हाथ में देखकर शूट करने को कहते, पागल हुई गई का? ए, 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 अरे जासी, ये क्या कर रही? खोल ना। अरे बाहर से बंद कर दी। हाँ। हेलो, इज इट पुलिस स्टेशन? मैं वास्को से बोल रही हूँ। एक गैंग है यहाँ जो बहुत दिनों से छुपी हुई है। मुझे शक है कि वो आईएसआई के लोग हैं। hey, पुलिस आ गई है, अब कोई खतरा नहीं है। Sorry, this is not possible. We are not coming out. We are ISI group. ICI क्या है? अरे बेवकूफ, हम समझाता हूँ। वो ICICI बैंक है ना? Officer, if you try to come inside, I have a remote control. And if I press the button, total Vasco will be blocked. Innocent people will die and you'll be the cause. Hey foolish cops, have you lost your brains? Don't try to act smart. झांसी का बोल रही है? सर सर सर, अंदर चार उग्रवादी है, उनके पास हथियार भी है, ये रही चाबी। On the count of three, go away from here, or I'll press the button. One, two, three. अंग्रेजी सीखे होते तो गोवा में कुत्तों की मौत नहीं मरते मेरे भाई। उनके साथ एक औरत भी है, उसे भी ढूंढ निकालो। तुमने कहा कुछ और किया? मैंने कुछ नहीं किया, उन्हें मैंने नहीं भेजा। मैं सच कह रहा हूँ, मैं सच कह रहा हूँ। इंसान की चिता सिर्फ एक बार जलती है, औरत आदमी पर सिर्फ एक बार विश्वास कर। और जिस दिन तुमने मेरे साथ विश्वासघात किया, उसी दिन तुम पर से विश्वास उठ गया। मेरा बेटा विजू कहाँ है बताओ? अगर नहीं बताया तो तुम जिंदा नहीं रहोगे। मुझे मालूम है तुम यहाँ क्यों आई हो। मैंने उससे बात कर ली है, वो लंच के लिए आ रहा है। क्रिश्चियन ग्रेवयार्ड के पास में स्कूल है, उस समय तुम वहीं पर है ना? मैं उसे ले आऊंगा। अगर इस बार मुझे धोखा दिया तो तुम भी कुत्तों की मौत मरोगे। इस औरत को आपने कहीं देखा है? जी नहीं। तुमने? नहीं साहब। तुम्हारे ऊपर बहुत गुस्सा है, बहुत समझा बुझाकर उसे लेकर आया हूँ। मेरा बेटा कहाँ है? वो देखो। विजू, विजू,
पिचू, पिचू। रुक जा बिच्छू, मुझसे बात तो कर, मुझे बात तो कह के बुला। रुक जा बिच्छू, 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 रुक जा बिच्छू। आधे घंटे में मेरे आदमी आकर इस कॉफिन बॉक्स को दबा देंगे और उसी के साथ ही झांसी आईपीएस का चैप्टर क्लोज। वाह, बहुत बढ़िया एक्टिंग की। क्या नाम है तुम्हारा? मिथुन। थैंक यू अंकल। ठीक है चलो। क्या ये औरत आपके ऑटो में ठहरी है? नहीं था। सरकार जी, पार्टी खत्म, सब। ओए, दिमाग क्यों जाट रहे हो? तेरी बेटी को ढूंढते ढूंढते मेरा कुंडा निकल गया। बात बात में दारू की बात करते हो तुम। मैंने तुमसे ये शर्त रखी थी कि जब भी बॉटल डिमांड करूंगा तो मुझे दोगे, ये भी भूल गए। अब तक मैंने तुम्हें 100 बॉटल खरीद के दी है। अरे ऐसे कर रहे हो जैसे यहाँ के सारे वाइन शॉप मेरे नाम कर दिए हो। चलो, गाना नहीं दूंगा। तूने नहीं दिया तो तेरा मेरा रिश्ता काट होने दो। ये बात है? हाँ? तो रिश्ता काट। थानेदार से रिश्ता तो तोड़ दिया, अब दारू कैसे पीऊंगा? ये कौन रो रही है? मेरी बेटी जैसी लग रही है। बेटी, मैं तेरा बाप हूँ। अब ढूंढ लिया, मैं खूब पी के नाचूंगा। अब पिएंगे हम ठर्रा हो या रम, अब पिएंगे हम। पापा, मैं अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए और उस राक्षस से अपने बेटे को बचाने के लिए मैं इतनी दूर आई हूँ। मैं माँ होकर अपने बेटे का दर्द समझती हूँ, लेकिन आप मेरे बाप होकर भी मेरा दर्द नहीं समझ सकते। अगर आप भला नहीं कर सकते तो बुरा भी मत कीजिए पापा। दारू, हलाल। दारू से जी नहीं भरा आपका, मेरी रगों में आप ही का खून है। इसे भी बोतल में भरकर शायद जी भर जाए। चुप क्यों है पापा? नारंग, ठंड लगा दिया तुम। बेटी झांसी, तुम मेरी बिल्कुल फिक्र मत करना। मैंने सोचा दारू पी पी के मर जाऊंगा, अब तेरी भलाई के लिए मरूंगा। तुम जाओ बेटी, जाओ।
नारंग वो नहीं भागेगी क्योंकि सुहागन कार से वो अच्छी तरह वाकिफ है। क्यों झांसी, मैंने ठीक कहा ना? इस दारू को अब छूंगा भी नहीं। आपने कहा आप झांसी को जानते नहीं, लेकिन इसे तो आप जानते होंगे। इसमें से राजशेखर IAS? नो, नहीं देखा। पहचाना नहीं? तो फिर इसे तो जानते होंगे। ओके, हर एक जुर्म के लिए एक रेट होगा, कितना चाहिए? समुद्र में जितने भी पैसे डालो लेकिन समुद्र का पेट भरता नहीं है तो तुम जानते होगे। तुम कितना दोगे बोलो। ओके, 5 लाख। 5 लाख मैं देता हूँ, शांत हो जाओ। तुम नहर की बात कर रहे हो और मैं तो अब तक समुद्र में ही अड़ा हूँ। तुम्हारा केस कोई मामूली केस नहीं है, अगर पकड़ा गया तो जेल में चक्की पीसते नजर आओगे। ओके, 10 लाख देता हूँ, मैटर क्लोज कर दूँ। जहाँ तक लोगों का सवाल है उनके लिए मैं मर चुका हूँ। मैं रेडी हूँ यार, लेकिन तुम्हारी पत्नी को भनक लग गई तो मुझे भी तुम्हारे साथ जेल की हवा खानी पड़ेगी। इस राजशेखर को इतना भी कम मत समझो, वो जिंदा बचेगी तभी हमें जेल भेज पाएगी ना। मतलब? अपने बेटे से मिलने के लिए वो कब्रिस्तान आई थी, वहीं मारकर उसे कॉफिन बॉक्स में डाल दिया और अभी तक हमारे आदमियों ने उसे दफना भी दिया होगा और अब वो नर्क में होगी। क्या कहा? खत्म हो गई। तुमने जिंदा दफना दिया उसे? तुम्हारे दिमाग की दाद देनी पड़ेगी। अरे इतनी हिम्मत कैसे आई यार? जब मैंने अपने बाप की परवाह नहीं की तब बीवी को मारना तो मेरे बाएं हाथ का खेल था। मरी हुई को जिंदा देखकर ताजुब हो रहा है ना? तुझ जैसे नालायक पति को मारने के लिए मुझे पाताल को भी चीर कर भी हार। मेरा बेटा कहाँ है? बोल। ओ, तो ये बात है, तुम दोनों अपनी पुलिस की बुद्धि से मुझे ट्रैप करना चाहते थे। सुनो ऐसा ही, मेरा नाम राजशेखर है ही नहीं, मेरा नाम है रेमो, रेमो जैक्सन। तुमसे जो बन सके कर लो। ये क्या, अभी अभी तुमने कहा कि तुमने ही अपनी पत्नी को दफना दिया? मैंने मैंने कहाँ कहा? मैंने कुछ भी नहीं कहा। अरे अभी अभी बोला ना। गवाह कौन है? कोई आधार है? कोई सबूत है क्या? अपने बेटे से मिलने के लिए वो कब्रिस्तान आई थी, वहीं मारकर उसे कॉफिन बॉक्स में डाल दिया और अभी तक हमारे आदमियों ने उसे दफना भी दिया होगा और अब वो नर्क में होगी। क्या कहा? खत्म हो गई। इसे तेल का टेप कहते हैं। इसकी आवाज सुनकर बड़े बड़े लोग धरती पीटने लगे। आफ्टर ऑल यू आर अ बच्चा, डू यू अंडरस्टैंड? तू IAS ऑफिसर नहीं बल्कि ISI। तू कोई भी हद पार कर सकता है। बोल, मेरा विजय कहाँ है? Tell me, tell me। सुनो, अगर तूने मुझे मारा तो फांसी की सजा मिलेगी, याद रखना ये बात। एक ही खून के लिए दो बार सजा नहीं मिलती चेतन। सॉरी रिमोज, मैं तेरे खून के इल्जाम में पहले ही सजा काट रही हूँ। अब अगर मैंने तुझे मार भी दिया तो मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा। इंस्पेक्टर, फिक्र मत कीजिए, अगर अपने आप को निर्दोष साबित करना चाहती है तो उससे पकड़िए आप। जाइए कबाड़। मम्मी
नो, उसे कुछ मत करना, उसे छोड़ दो। पिस्तौल नीचे कर, नहीं तो इसे मार दूंगा। वो तुम्हारा ही खून। जो अपनी बीवी को मारने के लिए सोच सकता है उसके लिए बच्चे का सेंटीमेंट कहां से आएगा। गन नीचे कर, गन नीचे कर, मैंने कहा गन नीचे डाल। स्टॉप दे, आगे आओगे तो गोली मार दूंगा। पिस्तौल नीचे फेंक दे। विजू, मैंने कहा पिस्तौल फेंक दो, पिस्तौल फेंक दो। नहीं माँ, मुझे डैडी की नहीं, तुम्हारी जरूरत। गोली मत चलाना, गोली मत चलाना। विजू, मम्मी, 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 हेड सॉफ्ट यू। यहाँ से मैंने तेरा कितना अपमान किया, लेकिन तेरे पति के सेंटीमेंट ने मुझे बचा लिया। पति भगवान का रूप होता है, ये तूने साबित कर दिया झांसी। चेतन, तुम्हें गलतफहमी हो गई है। मैंने तुम्हें इसलिए बचाया कि मैं तुम्हें अपने हाथों से मार सकूं। तेरे गंदे खून से मैं अपने बेटे के हाथ नहीं रंगना चाहती। मुझे मारो, मानता हूं मैं कमीना हूं, मैं कुत्ता हूं, मानता हूं, लेकिन तू एक आईपीएस है। इस देश को तुझ पर गर्व है। और आज अपने बेटे की नजरों में अच्छे पिता नहीं बन सके। तेरे जैसे सफेद पोश मुजरिम को इस पवित्र धरती पे जीने का कोई हक नहीं है, और अगर तू जिंदा रहा तो मेरे माथे का कलंक नहीं मिटेगा। तुम्हें पता होगा, पता होगा, पता होगा, पता होगा, पता होगा, पता होगा तुम्हें। मुझे माफ कर दो, मुझे अपने कलंक के साथ अपने सिंदूर को भी मिटाना पड़ा। मम्मी, you are great madam।